ये है कहानी वीरों की, वीरों की और शूरों की, ये है निशानी शूरों की, वीरों की और शूरों की। ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की, ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की, परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की, परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की, माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की, माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की, वीरों की गाथा, वीरों की गाथा, वीर गाथा। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह। भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साय साय करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे। ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं। अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया। राम सिंह? हाँ। वो सामने तुम कुछ देख रहे हो? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है। लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा? ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा। हाँ, अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं। हाँ। हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए। हाँ, चलो जल्दी चलो। हाँ, उन्हें बता देते हैं। हाँ। जय हिंद सर। जय हिंद राम सिंह। सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं। क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो। जी सर। फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो। जी सर। लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशाले रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशाले नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था। दरअसल चीनी सैनिकों को मालूम हो गया था कि भारतीय सैनिकों के पास गोलियां बहुत कम मात्रा में हैं, इसलिए वो चाहते थे
कि भारतीय टुकड़ियों के पास रही सही गोलियां भी समाप्त हो जाए। जानवरों को भेजकर वो भारतीय सेना की स्थिति और प्रतिक्रिया का भी पता लगाना चाहते थे। लेकिन भारतीय कमांडर ने अपनी सूझबूझ से टुकड़ी के कारतूस बचा लिए। ये कमांडर कोई और नहीं, मेजर शैतान सिंह थे, जिन्हें भारत चीन के युद्ध में अपूर्व शौर्य दिखाने पर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे। शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन में वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें भारत संघ की कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी। ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चाबंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए। जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की जय! भारत माता की जय! भारत! आगे बढ़ो। साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं। फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। जी साहब। चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके
और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की। भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा। लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। रेजांगला घाटी में भारतीय सेना की दो चौकियां थीं। मेजर शैतान सिंह बारी बारी से दोनों चौकियों में चीनी सैनिकों की भीषण गोलीबारी के बीच बिना सुरक्षा के भाग भाग कर जाते और बचे हुए सिपाहियों का हौसला बढ़ाते। राम सिंह, नीचे उप, नीचे! डक्कर, फायर को डक्कर! जी सर, पकड़, मैं लोड करता हूँ। जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा ला के देता हूँ असले का। फायर! हुकम सिंह! जी सर। एलएमजी संभाल, छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर। वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए। मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं। राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना। अच्छा। सर, ये रही मशीन गन। हुकुम सिंह, एक काम करो। जी। गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो। जी सर। मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को, जल्दी करो। जी सर। बांध दिया सर। ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी। टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ निकल। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल। जी सर। ठीक है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए। संभल कर। सर, यहाँ सर टिका लीजिए। सर, कालिका माता की जय। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था। छोड़ना नहीं,
आखिरी सांस। फायर, फायर। सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, साथी हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो। साहब, तुम लोग आगे निकलो। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, नहीं, बात को समझो। अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ। नहीं साहब। क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं साहब, नहीं, याद है, इट्स एन ऑर्डर सर। जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की। भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी। उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी। साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांग ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं। कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं। हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी
जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण। परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम। अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शमाइला परवेज, बावला कोचर, आर एस रघु और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण परामर्श विमलेश चौधरी और वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहायक अमित कुमार, आलेख निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।